Hello my Kali Curious, welcome you all on my channel. If you are new here, so let me introduce myself. My name is Ragini and I make videos related to curly hair care and hairstyles. I post videos on every Thursday. In today's video, I am going to share 3 very cute, easy and simple hairstyles which you can make within a minute. So stay tuned with me and show your support by subscribing my channel. So let's get started. तो फर्स्ट हेयर स्टाइल बनाने के लिए हमें नीड होगी एक हेयर क्लिप की। फिर हम हेयर पार्टीशन कर लेंगे जैसे कि मैंने पहले कर रखा है और हाफ हेयर को एयर के पीछे ले जाकर टाइनी क्लिप से सिक्योर कर लेंगे। है ना बहुत इजी एंड एलिगेंट सा हेयर स्टाइल। ये साड़ी, सूट, कुर्ती या कोई भी इंडियन ड्रेस के साथ बहुत ही परफेक्टली जाने वाला है। इवन यू कैन कैरी इट विद वेस्टर्न ऑल्सो। If you genuinely like this video, so give a thumbs up and comment down below to show your thoughts. I will accept whatever it is. If there is any mistake which I am doing, so I will definitely try to improve it. तो अब चलते हैं हम हमारे second hair style की तरफ जो कि होने वाला है again बहुत easy. तो दोनों तरफ से थोड़े थोड़े स्ट्रेंस को हम फेस पर रखेंगे और बाकी के हेयर्स को पीछे सिक्योर करते हुए एक पोनी टेल का फॉर्म देंगे एज वी मेक नॉर्मली पोनी टेल्स। सो ये पोनी टेल बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ वायर हेयर टाई का। अगर आपको परचेज करना होगा तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूँगी, आप वहाँ से जाके परचेज कर सकते हो। तो इस वायर हेयर टाई को यूज़ करने से मेनली क्या होता है कि हमारे बालों में फ्रिज उतना जल्दी नहीं होता है जैसे कि नॉर्मल हेयर टाई या कोई रबर बैंड यूज़ करने से हो जाता है। सो आई ऑलवेज प्रेफर टू यूज़ वायर हेयर टाई और साटिन स्क्रंचेस फॉर माई हेयर टू मेक पोनी टेल और बन और एनीथिंग। सारा हेयर सिक्योर करने के बाद एक बॉबी पिन की हेल्प से जो बचे हुए हमारे हेयर्स थे उसको भी सिक्योर कर लेंगे। यू ऑल्सो कैन यूज़ जूड़ा पिन हेयर। तो अब जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा बन रेडी हो चुका है और ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। मैंने इसे कुर्ती के साथ ही कैरी किया था। तो हमारा थर्ड हेयर स्टाइल बनाने के लिए अगेन हम आगे के हमारे फ्रंट स्ट्रेंस को फेस पर रखेंगे और पीछे सारा हेयर सिक्योर करते हुए जैसे कि हम पोनी टेल बनाने के लिए अपना सारा हेयर इकट्ठा करते हैं वैसे करते हुए एक पोनी टेल जैसा बना लेंगे। लेकिन इसमें हम रबर या कोई हेयर वायर टाई का यूज़ नहीं करेंगे, इसमें हम बनाना क्लिप का यूज़ करने वाले हैं। तो बनाना क्लिप को ईजिली हम नीचे के साइड से लगाते हुए ऊपर लॉक कर लेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने बनाना क्लिप को ओपन करके नीचे के साइड से लगा रही हूँ। इससे क्या होता है कि हमारा बहुत हेयर में बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिलता है। तो ऐसे ही प्यारे प्यारे हेयर स्टाइल्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।